हिंदी सिनेमा की एक बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस जो अपने चुलबुले अंदाज के लिए फेमस हो गई थी, जो 60 से 70 के दशक में बोल्डनेस की ऐसी हदें पार कर दी कि हर अखबार फिल्मी मैगजीन इन्हें ही की चर्चा होने लग गई और उस दौर में कई युवा इनके हॉट पोस्टर खरीदकर अपने कमरे में लगाया करते थे। क्या आप मानोगे इन्हें की दौर की अभिनेत्रियां साड़ी में लिपटी हुई बड़ी सी बिंदी लगाए पर्दे पर नजर आती थी, वहीं ये अभिनेत्री खुले आम सिगरेट पिया करती थी और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। और क्या आप यकीन करोगे उस दौर के जाने माने अभिनेता शादीशुदा होने के बावजूद इनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और उस अभिनेत्री ने इन्हें जोरदार चाटा जड़ दिया था। तो कौन थी ये अदाकारा, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 60 से 70 के दशक की मशहूर अदाकारा तनुजा की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को बंबई में हुआ था। तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थन एक कवि और एक फिल्म निर्देशक थे। वहीं तनुजा की मां शोभना समर्थन एक अभिनेत्री थी। तनुजा बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार है जिन्होंने अभिनेत्रियों को फिल्मों में परंपरागत रूप से पेश किए जाने के तरीकों को बदलकर अपने बिंदास अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। तनुजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 1950 में माँ के होम प्रोडक्शन की फिल्म हमारी बेटी से की। इस फिल्म में तनुजा की बड़ी बहन नूतन ने भी अभिनेत्री के तौर पर शुरुआत की थी। उसके बाद तनुजा पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड चली गईं, लेकिन तनुजा का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन तनुजा को अलग अलग भाषा सीखने में दिलचस्पी थी। तनुजा ने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। इसी दौरान तनुजा की मां ने तनुजा को लॉन्च करने के लिए 1958 में छबीली नामक एक कॉमेडी फिल्म बनाई। इस फिल्म में तनुजा की उम्र 16 साल की थी। बतौर अभिनेत्री के रूप में तनुजा की छबीली पहली फिल्म थी। उसके बाद 1961 में आई फिल्म हमारी याद आएगी में तनुजा के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में तनुजा ने इतना सहज और स्वाभाविक अभिनय किया कि दर्शकों ने इनकी तुलना गीता बाली से की। तनुजा ने अपनी जिंदगी बिंदास अंदाज में जी है। तनुजा ने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। एक बार फिल्म बहारे फिर से आएगी की शूटिंग के दौरान फिल्मकार गुरुदत्त से कह दिया था कि एक गुरु तो जब मर जाए तो अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम लिख जाना। और अफसोस की बात यह है, गुरुदत्त की ये अंतिम फिल्म थी। उसके बाद 1964 में फिल्म बेनजीर के लिए तनुजा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 1967 में फिल्म ज्वेल थिप के आई फिल्म जिसमें तनुजा ने देवानंद के साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं 1969 में फिल्म पैसा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर सम्मानित किया गया। 1982 में आई फिल्म अदालत ओ एकती में के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। 2 दुनी 4, जीने की राह है, 2 चोर, मेरे जीवन साथी, पवित्र पापी, गरीब अमीर, खाकी, ऐसी कई फिल्मों में काम किया। एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद ये टॉप अभिनेत्री नहीं बन पाई क्योंकि इनकी तुलना इनकी बहन नूतन से की जाती थी। एक दौर में
दूसरी अभिनेत्रियां जहां साड़ी में लिपटी बड़ी सी बिंदी लगाई हुई नजर आती थी, वहीं तनुजा खुले आम सिगरेट विस्की पिया करती थी। तनुजा को कोई मतलब नहीं होता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तनुजा ने बंगला फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। बंगला फिल्मों में तनुजा की जोड़ी उत्तम कुमार शोमित चटर्जी के साथ काफी पसंद की गई। इसके बाद तनुजा ने गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। तनुजा की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ काफी पसंद की जाती थी। उस समय तनुजा और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया। भारे, फिर से आएगी, इज्जत, दो चार, चांद और सूरत जैसी कई फिल्मों में काम करने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई थी। चांद और सूरज की फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शराब के नशे में तनुजा से फ्लर्ट करने लग गए और तनुजा को गुस्सा आ गया था और तनुजा ने थप्पड़ जड़ दिया था। फिर धर्मेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और तनुजा से माफी मांगी। तनुजा को अपनी बहन समझने लगी। बताते हैं कि उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और धर्मेंद्र का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ता रहता था, लेकिन बिंदास कही जाने वाली अभिनेत्री ने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। तनुजा ने श्रीधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे शोमू मुखर्जी से साल 1973 में शादी कर ली। उनकी दो बेटियों का जन्म हुआ, काजोल और तनुजा। काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और एक सफल एक्ट्रेस में शामिल है। वहीं बात करें तनिष्का मुखर्जी की, वह बड़ी बहन काजोल के जैसे एक सफल एक्ट्रेस नहीं बन पाई। अपनी दौर की फिल्मों में बेहद बोल्ड बिंदास अदाकारा तनुजा आज 81 इयर्स की हो गई। उम्र के इस मोड़ पर आकर आज उनको पहचान पाना भी मुश्किल है। आज की पीढ़ी उन्हें काजोल की माँ और अजय देवगन की सास के नाम से जानती है। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।